ठीक है। जो जम्मू में होते हैं ना, जम्मू या कहीं और भी पेड़, वो वाले पेड़ भी हैं, आम का भी है शायद। और नानू नानी के टाइम पे हम यहाँ पे पानी पिया करते थे, बहुत ही बुखार चढ़ गया। और व्लॉग भी हम अपना कंटिन्यू नहीं कर पाए उस वजह से। ये देखो कितनी बड़ी कस रोड है। तो गाइस पापा ने अभी हमें एक और चीज दिखाई है यहाँ जंगल में। तो गाइस गुड मॉर्निंग, आज है नेक्स्ट डे और आज हम जा रहे हैं अपनी बूजी के घर से। तो ठीक है बूजी, बाय बाय, आशीर्वाद दे दो। ठीक है तो आएंगे फिर हम बाद में, फिर भी आना कभी कभी। ठीक है चलो, बाकी धूप काफी है ना, आप इनसे जाओ घर के लिए। हाँ बड़ी धूप है आज, जीरो ठीक है। बाकी गाइस यहाँ का देखिए, दोपहर का है, धूप काफी ज्यादा है। यहाँ पे केले का पेड़ भी है और ही बाकी कुछ है यहाँ पे, ये सब। ओके बुजी बाय बाय, ओके बाय, चलो। हाँ हाँ ठीक है, तो बस बुजी को कर दी हमने बाय बाय और जा रहे हैं हम अपने डॉक्टर के पास जाना फिलहाल अभी, पहले हमने फिर वहाँ से मम्मा को चेकअप करवा के फिर अपने घर जाएंगे। गुरु ने बेचारा उदास हो गया होगा। चलो यहाँ का देखिए कैसा नज़ारा है ना, केले का पेड़ भी है यहाँ पे। यहाँ पे ना कुछ जैसे जो जम्मू में होते हैं ना, जम्मू या कहीं और भी पेड़, वो वाले पेड़ भी हैं, आम का भी है शायद, या किम्ब है। चलो फिर बाकी, अब स्कूटी भी हमारी वहाँ ऊपर थी, स्कूटी को तो नहीं हुआ होगा कुछ, बुजी अभी भी देख रहे हैं। ओके बुजी बाय बाय। तो वहाँ पर क्या बोलते हैं, स्कूटी भी मेरी ऊपर थी ना मामा, पता नहीं हम देखते हैं भगवान जाने सेफ रही होगी कि नहीं रहेगी, घर से थोड़ी दूर है ना सड़क। हाँ तो वहाँ पे हमने रखी थी साइड पे, क्या पता लोग, तो यार क्या पता कई लोग तो, जो कोई बड़े वो तो नहीं है, कुछ छोटे बच्चे होते हैं ना शरारती करने वाले, वो कभी टायर मतलब हवा निकाल देंगे या कुछ ऐसा वैसा करते हैं, और तो बाकी लोग तो ऐसा कुछ नहीं होता कि कुछ गड़बड़ करें। लेकिन देखते हैं अब सेफ है क्या है, जो भी है। कल से एक दिन से रात को यहाँ ऊपर ही रखी हुई थी हमने स्कूटी अपनी, अभी जा रहे हैं तो देखते हैं सेफ है कि कैसी है। हाँ फोन करते नहीं तो बूजी को, सामान हमने सारा ले लिया ना मम्मी, नहीं तो कुछ रह गया वहाँ पे। चार्जर भी मैंने डाल दिया था अपना, यहाँ पे ना अनारदाने के काफ़ी वो है, अनारदाना बहुत होता है यहाँ पे, अनारदाना ये देखिए यहाँ पे भी लगे हुए हैं, ये अनार लगे हुए हैं अनारदाना। यहाँ पे लोग ना अनारदाने की वो करते हैं यार, मतलब अनारदाने को बना के फिर बेचते हैं, और आपको पता है अनारदाना कितना महंगा है। गर्मी है लेकिन यहाँ पे ना ये लगता नहीं है कि पहाड़ी इलाका है। ये देखिए रास्ता ये है कि रास्ता अच्छा किया हुआ है यहाँ पर कि पक्का रास्ता है, जब कभी बारिश हो या कीचड़ जो यहाँ पे होता नहीं है उतना। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है ना। चलो मुझे बूजी दिख रहे बूजी हमारे वहीं भी बैठे हुए हैं वहाँ से, वो कहते मैं देखूंगी आपको वहाँ से बैठकर। वो देखो बूजी हमारे उधर, आपको दिख पा रहे हैं कि नहीं दिख पा रहे, ये रहे दिख रहे हैं, वो देखो गाइस बूजी बैठे हुए हैं। करो बाय बाय, वो देखो हिलाया बूजी ने भी हाथ। ठीक है चलो पहुँच चुके हैं ऊपर, यहाँ से चढ़ाई का जो सफ़र है उसको ख़त्म करते करते, और यहाँ पे हमें गायें भी दिखी है, गौ माता, जय गौ माता।
गायें भी चलिए बैठी हुई हैं। क्या चाहिए क्या चाहिए? हमारे पास कुछ भी नहीं है। आ रही हैं, ये देखो। क्या हुआ क्या हुआ? सोच रही कुछ लाया खाने के लिए। क्या इधर ही हो गए आप? इधर लाओ, बैठो फिर उधर ही। तो फाइनली हम यहाँ ऊपर पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमने स्कूटी लगाई हुई थी अपनी, पार्क की हुई थी। अब स्कूटी कितनी सेफ है फिलहाल तो यार सेफ ही होगी, कहीं भी लोग ऐसे करते नहीं हैं पंगे। पता रहता लोगों की भाई दूर से आए हुए हैं लोग तो क्यों ऐसा करें। और टेंट टें ओए बिल्ली बैठी है इधर, ओ देखो भागी। ये देखो ये हमारी स्कूटी के नीचे बैठी थी, धूप सेक रही थी, नहीं छाँव से बची थी, सॉरी। ओए एक और थी, दो थी बिल्ली के बच्चे। यहाँ से फिलहाल तो कुछ नहीं है, गर्मी से भी कहीं टायर पंचर हो जाते हैं, फिलहाल ठीक है। सीट काफ़ी ज़्यादा गर्म होगी। तो चलो गाइस ओके ही है, नहीं टायरों में कुछ हुआ। फिलहाल ऐसे कोई नहीं करता यार, है ना। बाकी यार तो बस गाइस अब निकलते हैं यहाँ से और जाते हैं डॉक्टर के पास, वहाँ पे मिलते हैं फिर आपको, ठीक है। बाकी गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, चले अब। तो गाइस अभी देखो हम कहाँ पहुँचे इतनी गर्मी में। वहाँ पी रहे हैं पानी और ये यहाँ पर पानी है और ये उस टाइम का पानी है जिस टाइम मेरे नानू नानी हुआ करते थे। तो इस जगह का नाम कराड़ा है, बेला है, यहाँ के लिए रोड जाता है। और नानू नानी के टाइम पर हम यहाँ पर पानी पिया करते थे, बहुत ही तब का पानी है ना मम्मा, ये बहुत पुराना पानी है और ठंडा, पुराना ठंडा पानी है, बहुत ही मज़ेदार। ये देखिए दिखाओ मैं क्यों, ठंडे पानी को एंजॉय कर रहे हैं आज हम इतनी गर्मी में। बादल आसमान के तो कैसे हैं, बस भी यहाँ से आ रखी है, पूरा आसमान पूरा क्लियर है आज, गर्मी से पूरी हालत है। बस ये है कि जल्द जल्द घर पहुँचे हम, घर पहुँच के थोड़ा रिलैक्स करें, बुरी हालत और भरना यू एस को भर के नहीं है, पानी बहुत पुराना है। तो चलो गाइस अभी देखिए हम कहाँ पहुँच चुके हैं, जहाँ पे मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई हुई थी और हमारे सब्सक्राइबर फॉलोअर्स हमें पूछ रहे थे कौन सी जगह है ये। तो ये भद्रवाह की जगह है और रास्ते में ये पड़ता है, पूरी लोकेशन इस तरीके से है यहाँ पे। और ये पेड़ है, ये देखिए मम्मा हमारे साथ हैं क्योंकि मैं और मम्मा ही गए हुए थे। बाकी इस तरीके से नज़ारे हैं कुछ यहाँ के, ये देखिए। और ये वाले ट्रीज़ ना यहीं पर ही हैं और आगे नहीं है ये ट्रीज़, और इस ट्रीज़ के साथ में वो नीचे देखो नीरू नाला जिसे बोला जाता है, कितना ही प्यारा लगता है, ये छाँव है और मज़ेदार है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। इस तरफ भी ये पेड़ है और इस तरफ भी ये सारे पेड़, और यहीं पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, इससे पहले भी मैंने बनाई हुई थी। आज फिर से हम यहाँ पे एक अच्छी सी वीडियो बनाते हैं और आपको भी दिखाते हैं यहाँ का व्यू कुछ। अच्छा ज़बरदस्त। तो चलो एक शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ आपके लिए यहाँ पर, उसका निकलते हैं घर के लिए, गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। गाइस अभी हम अपने एक अच्छे रास्ते में पहुँच चुके हैं, ये देखिए ये हमारे घर के लिए रास्ता है जो कि अभी थोड़ा कच्चा। गुड इवनिंग, शाम का टाइम है और जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अपनी बूजी घर पर गया हुआ था और हमारे उस दिन के बाद हमारा कोई व्लॉग नहीं आया है, तो आज मौका ही नहीं मिल पाया। शॉर्ट्स तो आपके लिए मैं डेली डालता हूँ सुबह शाम, और लेकिन व्लॉग नहीं आ पाया उसके, मतलब बिज़ी रहा था घर पे ही, इतना कामकाज था तो उस वजह से व्लॉग नहीं बना पाया। और बाकी अभी हम घर पे हैं, बाहर हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना जो नेक्स्ट हमारा जो व्लॉग था बूजी के घर से वापस, आपने देखा होगा कि हम बूजी घर पे गए थे और वहाँ पे हमने स्कूटी लगाई थी और उसकी हमें टेंशन थी कि हमारी स्कूटी सेफ़ है कि नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं था, सेफ़ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया वहाँ के लोगों का
और क्योंकि वहाँ के जो पीपल्स लोग हैं उन्होंने मुझे कमेंट भी किया था कि आपकी स्कूटी सेफ़ है। बाकी थैंक यू सो मच आप सबका। और जो नेक्स्ट है हमारा, अपने बूजी घर से निकले थे अपने घर के लिए, वो भी मैंने कवर किया था, लेकिन यहाँ पे मतलब कुछ काम का जितना बिजी था कि वो आगे मैं व्लॉग उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो अभी शाम का टाइम है तो मैंने सोचा कि उन्हें अभी उसको कंटिन्यू किया जाए कि जब हम अपनी बूजी घर से निकले थे तो कैसा रहा था रास्ते का सफ़र मेरा और मम्मा का। काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, धूप काफ़ी ज़्यादा थी जिस वजह से लू लग रही थी हमारे फेस पे, मतलब बुरी हालत हो गई थी। तो बस घर पे आ तो पहुँच चुके थे, उसके बाद ने कहा नेक्स्ट कंटिन्यू कर पाया। मम्मा हमारे बीमार हो गए थे, उनको फीवर वगैरह हो गया हुआ था, तो बाकी इसीलिए भी हम नहीं कंटिन्यू कर पाए व्लॉग अपना। और आज उसको कंटिन्यू करते करते आज हम शाम का टाइम है तो इससे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे मम्मी और पापा हैं, और वो यहाँ पर हमने जो लहसुन लगाया हुआ था उसी की गुड़ाई कर रहे हैं, गुड़ाई मतलब उसको खुदाई कर रहे हैं आज, लहसुन निकाल रहे हैं। और बाकी दिखाते हैं आपको वहाँ पे, चलो मिलाते हैं आपको। मम्मा हमारे हो गए थे बीमार ना, तो उस वजह से मैं व्लॉग नहीं कर पाया था। तो मम्मा ही हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये हमारे सरसों की जो हमने सरसों नहीं सॉरी ये लहसुन लगाया था उसी को आज निकाला है, और ये लहसुन निकला है। पापा यहाँ पे, तो मम्मा से बात करते हैं। तो मम्मा बताओ कैसी आज आपकी तबीयत, बीमार हो गए थे इतने बूजी घर से है ना? क्या हो गए थे ना? हाँ गर्मी, उधर बहुत गर्मी है। हाँ आप देख सकते हो उनका रंग भी अभी थोड़ा काला काला है, वैसे ठीक है अभी तो थोड़ा हो रहा है। क्या उधर गर्मी बहुत है, है ना? मारो कहने लगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये फिर बीमार ही हो गए उधर, इतनी गर्मी है। रास्ते में लू लगी ना हमें, बहुत गर्मी थी उस वजह से बुखार चढ़ गया, और व्लॉग भी हम अपना कंटिन्यू नहीं कर पाए उस वजह से, क्योंकि गर्मी, मम्मी बीमार हो गए हुए थे, और उसके बाद हम आगे लगे पड़े इनको ठीक करने में। या फिर आपको पता है घर में कोई भी इंसान बीमार हो जाए तो पूरा काम ठप हो जाता है, तो बस इसी वजह से हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ उसको, इसमें इस व्लॉग में आपको दिखाएंगे जो हम बूजी घर से निकले थे तो कैसा वो सफ़र रहा था हमारा। बाकी अभी पापा भी हमारे यहाँ पे, पापा आप भी देखो क्या कर रहे हो। चलो पास से दिखाते हैं, टमाटर की गुड़ाई कर रहा हूँ मैं। टमाटर लगाए हुए हैं ना यहाँ पे, टमाटर है, फूल है, ये लहसुन ये निकाल रहे हैं, लहसुन की गुलियाँ ठीक है। बाकी यहाँ पे शावर भी लगा हुआ है, ये देखिए ये हो गया हमारा सरसों सठू 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 है ना यार, बस कल परसों हमने इसकी सब्जी खा लेनी है। अच्छा कल परसों मम्मी तो कह रहे थे अभी तोड़ना है। ना ना अभी नहीं, कल परसों सब्जी अभी नहीं हो जाए, कल परसों के लिए तैयार होगा। हाँ ये शावर लगाया हुआ हमने यहाँ पे, पूरा पानी यहाँ पे लग रहा है, और फिलहाल पानी ठीक ही है, थोड़ा थोड़ा है लेकिन टाइम निकल जाता है। तो बाकी शट्टू मैं आपको दिखाता हूँ पापा किस चीज़ की बात कर रहे थे। ये बीन्स फलियाँ, फ्राश बीन, कुछ लोग इसको फ्राश बीन बोलते हैं, कुछ बीन्स कहते हैं, कुछ फलियाँ कहते हैं। ये देखिए गाइस, वाओ देखने में तो अच्छी लग रही है, काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लग रही है बिल्कुल, और जब इनके ऊपर पानी गिर रहा था उससे और भी ताज़ी लग रही है। ओह मेरे मोबाइल पे भी गिर रहा था। बाकी आपने सब्जियां देखी हुई हैं, सब्जियां लगी हैं हमारे घर पे, तो अच्छा लग रहा है देखने में, काफ़ी हरा हरा। देखिए आप भी, कड़म भी लगा हुआ है, कड़म ये चीज़ होती है, कड़म कई लोगों को कड़म का नहीं पता है, तो मैं आपको बता दूँ कि ये है वो कड़म, इसके पत्तों की सब्ज़ी बनती है, और हमने तीन चार सब्जियां खा भी ली हुई हैं, तो अच्छी हैं, टेस्टी लगता है। बाकी अभी हम चल रहे थे कसरोड़ लेने के लिए जंगल में, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हुआ है, और हमने सुना है कि कसरोड़ फिर से लगी है जंगल में, अब जाके पता चला है, पहले भी सुना था तो पहले थी ही नहीं। और हिमाचल में कसरोड़ को बोलते हैं लुंगड़ू, हमें आपको पता है हिमाचल में क्या बोलते हैं, लुंगड़ू कसरोड़ को हिमाचल में गाइस लुंगड़ू बोलते हैं, लुंगड़ू लुंगड़ू। तो बस वही लुंगड़ू लेने जा रहे हैं अभी, कसरोड लुंगड़ू, ठीक है। चलो पापा फिर, बस दो दिन रहेंगे फिर अंधेरा नहीं हो जाएगा कहीं जंगल में, जंगल में तो वैसे भी अंधेरा रहता है। ये देखिए मिल जाएगी, पता नहीं हाँ मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी। बाकी यहाँ के सामने के नज़ारे कुछ ऐसे हैं पहाड़ों के, ये देखिए शाम का टाइम है। और साथ में गाइस मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इंस्टाग्राम पे हमें एक सब्सक्रिप्शन का जो
टूल बोलूँ उसको, क्या बोलूँ एक, क्योंकि जब वहाँ पे लिखा आ रहा था कि आपको एक सब्सक्रिप्शन टूल ऐड हो चुका हुआ है हमारे अकाउंट में, इंस्टाग्राम के अकाउंट में हमारा सब्सक्रिप्शन का जो ऑप्शन होता है वो ऐड हो चुका हुआ है। तो अगर आप चाहें, मेरी तो फ़िलहाल आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम चैनल को। उसके थोड़े बहुत चार्जेस होते हैं, तो अगर जो कोई कर सकता हो सब्सक्राइब हमारे चैनल को तो ज़रूर करें। बाकी जो नहीं कर सकता है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप ऐसे भी मेरी रील्स देख सकते हैं। बाकी चलते हैं अब जंगल में, फिर वहीं पर मिलते हैं आपको। चलो फिर जल्दी करो। ब्रूनो देखो, आज ब्रूनो क्यों उदास लग रहा है? ब्रूनो देखो क्या हुआ है, ये देखो ब्रूनो क्या हुआ, ब्रूनो क्या हुआ, क्या हुआ, उदास क्यों लग रहा है? गर्मी गर्मी लग रही है। ओए इसको भी गर्मी से बुरी हालत है बेचारे को। ब्रूनो भी बेचारा गर्मी से। ब्रूनो क्या हुआ, ब्रूनो क्या हुआ, क्या हुआ? इसको भी गर्मी लग रही है, इतनी तो गर्मी काफ़ी है ना। ऐसे पहले सुनने में आता था कि भाई पहाड़ों में ठंडा रहता है, अब तो ऐसा है कि पहाड़ों में भी गर्मी है, ऐसा सिस्टम हो चुका हुआ है। दोपहर को तो इतनी गर्मी होती है बाहर ही निकला ही नहीं जाता, अंदर ही अंदर रहो। अब निकले हैं शाम को। पापा चलो फिर जल्दी करो यार, बाद में मिलेगी नहीं, अंधेरा हो जाएगा। तो फिर कहाँ, एक अद्धी वीडियो भी बना लेंगे जंगल में, टाइम पे जाएंगे तो रील्स वगैरह अपने। ये देखो लहसुन दिखाएं अपने फॉलोअर्स को, ये देखो इतना लहसुन हमारे घर का है, ये देखिए मम्मा ने यहाँ पे किसी कैसे कटिंग हो रही है इनकी। लहसुन है ना, हाँ इसको भी तो खा सकते हैं हम सब्जी में आज। बाकी यहाँ पे काट रहे हैं मम्मा लहसुन, इस बार मम्मा कम लगाया लहसुन कुछ आपने, है ना? और क्या, खराब हो जाता है, थोड़ा ही है गाइस इस बारी तो। प्याज एक थोड़ा, चलो अपने खाने पीने के लिए बहुत है, सर्दियाँ निकल जाएंगी तो चलो अब निकलते हैं घर से बाहर। चलो ये हमारा गेट है गाइस, इस तरीके से गेट बनाया हुआ फिलहाल हमने, इतना बनाया लोगों के इतना भी नहीं होता, खुला होता है। गांव में पता आप सबको कि गेट वेट तो कुछ होते नहीं है, सीधा खेतों में से निकलते हैं लोग। रास्ता भी आपने बनाया होगा तो फिर भी वो खेतों में से जाते हैं। ये कहाँ, किसने निकाला ये? अच्छा छोड़ दो फिर। बाकी देखिए लेट हो गया हूँ वैसे, इस टाइम पे जाता तो नहीं है जंगल में, वो भी कसोर लेने के लिए, लेकिन हम जा रहे हैं। अगर मिल जाएगी तो फिर तो इजीली है, ले लेंगे, अगर नहीं मिली तो फिर देखते हैं क्या बनता है। देखिए अच्छा लग रहा है वैसे, अभी शाम का टाइम है ना, तो शाम के टाइम ही यहाँ पर ठंडा होता है, दोपहर को तो गर्मी होती है इधर भी, और अभी ठीक है, अभी लग रहा है कि हाँ भाई अच्छा मौसम है भद्रवाह का। अदरवाइज दिन को तो ऐसा लगता है भाई जम्मू की गर्मी फिर भी ठीक होगी, यहाँ की इतनी ज़्यादा। पेड़ों के नीचे तो ठंडा होता है, पेड़ के नीचे बैठोगे हवा चलती है ठंडी, फिर नहीं। पापा घर आ गए, पापा आओ जल्दी। चुके हैं अपनी गड में जहाँ पे जंगल है, और यहीं पर कसौड़ वगैरह भी लगती है, और पापा स्टार्ट हो गया हैं कसौड़ चुनना। तो हाँ आज तो दिख रही है ऐसे, देखो आज तो दिख रही है छोटी छोटी, ये भी तो है, क्या हो तो? नहीं ये भी कसरोड़ी देखो। तो आज हमें कसौड़ थोड़ी मिल रही है, उस दिन जब लास्ट टाइम आए थे तो यहाँ पे क्या था हमें दिख ही नहीं रही थी, आज भी कम है लेकिन चलो इतनी इतनी तो दिख रही है एटलीस्ट। बाकी अब और भी आज ढूंढेंगे, आज तो अच्छी सब्जी बन जाएगी शायद, देखिए पता चलेगा। ओके देखिए यहाँ पर आए हुए हम, और ये कसरोड़ लिंगड़ू, हिमाचल में बोलते हैं इसको लिंगड़ू। इस कसरोड़ ये देखो लिंगड़, ये होता है हिमाचल का लिंगड़ और भद्रवाह का कसरोड़, ये देखो
अभी लेकिन है छोटी छोटी है। चलो गाइस अब मैं चुनते हैं पहले पूरी, फिर आपको भी दिखाते हैं कितनी हमें मिली है। और फिलहाल हम यहीं भी पहले देखेंगे यहाँ पे जितनी मिलती है, उसके बाद लोकेशन चेंज करेंगे, फिर आपको मिलूँगा मैं, ठीक है। फिर ऐसे तो मेरे फ़ोन की बैटरी भी कम है, फिर जल्दी से चौक हो जाता है। चलो ये डालो इसमें। देखिए ये देखो, और ये देखो कितनी बड़ी कस रोड है। और भी पापा को मिली इतनी बड़ी, लेकिन ये कंकड़ी वाली ज़्यादा अच्छी होती है, नहीं पत्ते वाली अच्छी होती है, इसकी तो डंडी मोटी होती है ना। ये बकरी कहाँ चढ़ी है? हाँ कोई कुछ था, बकरी को देखो कहाँ पर चढ़ के खा रही है। ए मैं आके इधर बकरियाँ भी हैं, इधर काली वाली बकरी, आजा मैं लेकर आ गया हूँ कसरोड। और अभी जा रहे हैं घर के लिए, घर पे ही आपको दिखाएंगे कितनी हमें कसरोड मिली है कितनी नहीं। फिलहाल उतनी भी नहीं मिली है जितनी हमने सोची थी, लेकिन चलो आज उतनी मिली है कि हमारी सब्जी बन जाए, ठीक है। भाई पापा ये चला रहे हैं उल्टे छूट रहे हैं, इसको हम लगाएंगे अपने घर पे। और जो हमने बेलें लगाई हुई हैं ना, तो इसको लगाएंगे, जैसे कि खीरे की बेल होती है तो उस पर लगाएंगे, तो खीरे इसके ऊपर टंगेंगे, तो इसीलिए पापा ये चला रहे हैं। तो बस अब घर पहुँच कर मिलते हैं गाइस आपसे, ठीक है। तो गाइस पापा ने अभी हमें एक और चीज़ दिखाई है यहाँ जंगल में, तो पापा बता रहे हैं ये क्या है, तंबाकू। हमारे व्यूअर्स को बताओ क्या ये है। ये है देसी तंबाकू। देसी तंबाकू बहुत कौड़ा होता है। अच्छा ये देखिए देसी तंबाकू, ये लेकिन एक ही पौधा लगा हुआ है, ये देखो। तो ये है देसी तंबाकू, जो लोग तंबाकू नशा करते हैं। अच्छा तंबाकू है ना दादा, इसको सुखा कर इसका बनता है, जबरदस्त। हाँ जंगल में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं गाइस आपको, मतलब नेचुरल तरीके से। पहले लोग ऐसी यही चीज़ें यूज़ करते थे, जैसे कि तंबाकू किसी ने पीना तो ये जंगल में लगा दिया, और फिर इसको सुखा के खेतों में लगाते। अच्छा अब तो कोई लगाता नहीं है, अब तो बैन भी होगा शायद से, ये कहीं गवर्नमेंट को पता चलेगा वो लेंगे। वो कई लोगों ने तो ना कहा वो बड़ा पोल पर नहीं क्या लगाते थे, अब तो वैसे नहीं है। पहले होता था कि लोग घर से ही उगाते थे, मार्केट में कौन जाता था लेने के लिए, कोई भी नहीं, घर पे ही उगा लिया जो भी अपने नशीले पदार्थ और ऐसे ही आगे देसी शराब क्या क्या होता था इतना कुछ, तो आजकल तो वैसे नहीं है उतना। बाकी ब्रोनो बेचारा देख रहा होगा कि हम कहाँ चले गए हुए, फिलहाल चुप बैठा था, भौंका नहीं था आज। गाइस हो गया गेट बंद, पहुंच चुके हैं हम अपने घर पे। पैदल चलने में टेंटा थक जाते हैं यार, उतनी पहाड़ थी वहाँ पे। ब्रूनो को पता लग गया, आप क्या कर रहे हो? सैर सपाटा। मम्मी हमारे यहाँ पे कर रहे हैं सैर सपाटा है। खीरे लगे। ओ ब्रूनो खुश हो गया, वो देखो ब्रूनो कैसे खुश हो गया, वो क्या कर रहा है पापा के साथ। ब्रूनो खुश हो गया। ब्रूनो तुझे आप पता नहीं चला। तो चलो अभी कसरोड़ खुल जा सिम। देखो मम्मी कितनी कसरोड़ आज मिली हमें। तो ये देखो इतनी कसरोड़ मिली आज हमें, जिसकी हमारी सब्जी बन जाएगी। सब्जी तो बन जाएगी पूरी हमारे लिए। सब्जी बन जाएगी। ओ सब्जी जबरदस्त सब्जी बनेगी आज बनानी की कल बनानी हुई है।
आजी ताजा ताजा बनाएंगे तो कल आजी हाँ तेरी मम्मी तोड़ेगी सब्जी तो सब्जी तोड़ो साफ करो इसको इसमें बाल लगे होते हैं ब्लैक ब्लैक से और बालों के समेत डालेंगे तो उसको तेल लग जाता तो करारे करारे बन जाते हैं बाल भी नहीं हाँ तो अभी बाकी हमारे वो जो फॉलोअर्स है ना उम्मीद से सब्सक्राइबर हमारे वो हमें कह रहे थे कि भाई कसोड़ अब जाना है हमारे लिए भी कसोड़ भेजना अब हमें इतनी सी मिली है तो इससे ज़्यादा मिली नहीं अगर ज़्यादा मिली होती तो हम जरूर आपको देते अगर वो हमारी वीडियो देखेंगे क्योंकि उन्होंने हमें कमेंट भी किया था कि अगर जब कभी आप जंगल में जाओगे कसोड़ लेने तो हमारे लिए भी कसोड़ लेके आना लेकिन अभी आपके सामने ही है कि जितनी हमें कसोड़ मिली है एक ही सब्जी बन सकती है इसकी तो नेक्स्ट टाइम बता रहे हो मैं बताओ आगे इधर जो है ना थोड़ी थोड़ी होती है ये भी लोग ले जाते हैं वो आगे दूर जाना पड़ता है जंगल में कुंडोस जो गांव है ना हाँ उधर नाले आगे उधर बहुत होती है अच्छा उधर जाने का टाइम ही नहीं होता हमने इतने पहाड़ में रहते हैं हमने अब तक खाई नहीं तो अभी चलो अब लेकर आए तो एक सब्जी बन जाएगी जो बाकी जिन्होंने हमसे मंगवाई थी तो उनको भी हम देंगे कोशिश करेंगे उनको भी दें लेकिन उसके लिए मैं एक स्पेशल मतलब एक अलग से टाइम निकालेंगे क्योंकि दूर जाना पड़ेगा ना दूर जाना पड़ेगा फिर वहाँ से लानी पड़ेगी तो बस आज फिलहाल पापा कह रहे हैं आज ही बनानी है ये और आज ही खानी है तो अब बनाएंगे पापा फिर खाते हैं आपको भी दिखाते हैं तो गाइज आज नेक्स्ट डे है और आज हमने सुबह मॉर्निंग में ही बनाई है कसरोड़ क्योंकि रात को लेट हो गई थी लाइट ही बंद हो गई थी इस वजह से कसरोड़ नहीं बनी तो ये देखिए ये बनाई है मैंने ही बनाई है ये कसरोड़ की सब्जी है लंगड़ू क्योंकि इसको लुंगड़ू भी बोलते हैं आप बोलते हैं मैं लुंगड़ू क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि कई स्टेट में इसको लुंगड़ू बोला जाता है और कसरोड़ हमारी बन के तैयार है तो चलो बस अब करते हैं अपना ब्रेकफास्ट रात को लाइट बंद हो गई थी और लेट हो गए थे जिस वजह से मैंने रात को नहीं बनाई और सुबह मॉर्निंग में मैंने ही बनाई है रोटी भी तो बस अब खा रहे हैं और टेस्ट बनी होगी ऐसी बात नहीं है मेरी तो फेवरेट है कसोड़ किस किसकी फेवरेट है कसोड़ कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको भी ये खाते हो पसंद करते हो बाकी आज की ये जो व्लॉग है इसको हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट कुछ इंटरेस्टिंग ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर जय हिंद वंदे भारत